राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार, फिर से बेबी नेम न्यूमरोलॉजी। बेबी नेम न्यूमरोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब आप अपने बच्चे का नामांकन करने जा रहे होते हैं, एक दिन के बच्चे का, चाहे एक महीने के बच्चे का, चाहे छः महीने के बच्चे का, तो उसका जो फर्स्ट नेम रखते हैं, उस फर्स्ट नेम का पहला अक्षर किस लेटर से होना चाहिए, किस नाम है ना, किस लेटर से रखेंगे ए टू जेड के बीच में, वो उसका पूरा भविष्य डिसाइड करता है। क्योंकि जब तक उसका पहला लेटर उसके डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल नहीं होगा, फेवरेबल नहीं होगा, उसके हिसाब से कंफर्टेबल कंपेटिबल नहीं होगा, जिसको कंपेटिबिलिटी बोलते हैं, तब तक उस बच्चे को जिंदगी भर तकलीफ होगा। 95% लोग इस पूरी दुनिया में तकलीफ में इसीलिए हैं कि वो लोग सब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पंडित जी के बोलने पे कखा गगा चाचा जाजा औ आ हरसी दुर्गा के नाम से नाम रखते हैं। फिर उस नाम को इंग्लिश में आप कन्वर्ट करते हो, दोनों का वाइब्रेशन में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। मेरा खुद का नाम लीजिए, मैं स्पेलिंग लिखता हूँ अनंत का, ANANT, और हिंदी में उसका कुछ और ही होता है। तो समझ सकते हैं मैंने 20 साल तकलीफ काटी है बहुत सब कारणों से, है ना, जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जाता। मेरा पुराना वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने बताया है कि क्यों तकलीफ होती है। इसीलिए बेबी नेम न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत मैं ऑलरेडी 10-12 वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ। आज मैं मूलांग 8 और भाग्यांग 7। मूलांग को बर्थ डेट नंबर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नंबर नाम ड्राइवर नंबर भी है, ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर अरविंद सूद जी का कॉपीराइट है, इसी को हम साइकी नंबर भी बोलते हैं, साइकोलॉजी से जो डिराइव हुआ उसको साइकी नंबर बोलते हैं। भाग्यांग का दूसरा नाम कंडक्टर नंबर भी है, इसको डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। आज मैंने 8 और 7 का लिया है, इसका मैं फ्रेंडली नंबर बताऊंगा। नेम न्यूमरोलॉजी के लिए कौन सा फ्रेंडली नंबर, जिसमें नेम न्यूमरोलॉजी होती है, फिर कॉमन फ्रेंडली नंबर, अफिकैलियन सिस्टम के हिसाब से। मैं पैथागोरियन सिस्टम बिल्कुल फॉलो नहीं करता क्योंकि वो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। पैथागोरस का और सब चीज़ें बहुत अच्छी है, लेट इस पर्पज से, नेम न्यूमरोलॉजी के पर्पज से उनका वो सिस्टम ठीक नहीं है। हम कैलिन सिस्टम फॉलो करते हैं जो बेबीलोन की सभ्यता से 5,000 साल पहले आया, साइंटिफिकली प्रूव्ड एंड अप्रूव्ड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको सबसे बेस्ट माना जाता है, गूगल सर्च में अवेलेबल है। आप पहली बात बता दूँ कि आप यूट्यूब में न्यूमरोलॉजी का वीडियो देख के आप न्यूमरोलॉजी नहीं सीख सकते, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, विद्या है। जिस तरह से सब्जेक्ट को है ना किताब से पढ़ा जाता है, रेनॉल्ड ऑथर के बुक्स ऑथर के किताब को पढ़ना पड़ता, उसी तरह से है ना ये विद्या है, सब्जेक्ट है। यूट्यूब में क्या है, 140 प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन किसी ने भी आज तक इतने जितने साल से यूट्यूब में, 2004 या 2005 में यूट्यूब आया था, अभी तक किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया है। इसीलिए आप जब तक वो नहीं सीखोगे आप न्यूमरोलॉजी करना नहीं सीख सकते, अपना भी जीवन बर्बाद करोगे, दूसरे का भी जीवन बर्बाद करोगे। इसलिए कोशिश नहीं करनी है, थोड़ा पैसा खर्च करिए, इन्वेस्ट करिए, अपने आप को, अपने पूरे परिवार के वाइब्रेशन को ठीक करना है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 साल से ऑनलाइन चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करानी है, पूरे परिवार का कराना है, फैमिली पैकेज के अंदर कराना है। अब तो स्पेशल पैकेज भी हमने दे दिया, चीप एंड बेस्ट इन इंडिया हम लोग दे रहे हैं, इससे सस्ता कुछ भी नहीं है, सस्ते में अच्छा है ना। और एक बार हमसे करवा लिया आपने, मुझसे न्यूमरोलॉजी आचार्य मैडम से एस्ट्रोलॉजी, उसका पूरे हिंदुस्तान में किसी भी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका चंद्रमा खराब रहा तो आप भटकते रहोगे 10-15 साल तक, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराते रहोगे, 50,000, 1,00,000, 60,00,000, 50,00,000 कितना रुपए खर्च करोगे अपने को मुझे नहीं पता, बट अभी भी देरी नहीं हुई। क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक हैं, और पूरे परिवार को क्यों कराना है, जिस तरह से गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से परिवार में, ब्लड रिलेशन में, जो भी आपके साथ रहता है उसमें से एक का भी अगर एंटी वाइब्रेशन होगा, अभी भी होगा, तो आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से तकलीफ हो रहा होगा। और अभी आपकी हालत फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली जो होगी, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, और गारंटी वारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, अभी तक आपको भी चीज बाय चॉइस नहीं मिला होगा, आपको मन चाह अभी तक कुछ नहीं मिला होगा, अभी भी देरी नहीं हुई है। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स, क्योंकि भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो कि भाग्य में क्या बनना लिखा, उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन मेहनत करिए। एडवांस में 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी स्टोरी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, कार पेट्रोल की तरह, इंक और पेन की तरह है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाय या कॉफी नहीं है, है ना, चॉइस इज योर्स। चलिए बताते हैं फ्रेंडली नंबर फॉर 8, नेम न्यूमरोलॉजी के लिए 3, 5, 6, जिसमें नेम न्यूमरोलॉजी होती है 8 नंबर वालों की, और 7 नंबर वालों की भी नेम न्यूमरोलॉजी 3, 5, 6 पे होती है। 8 और 7 डेविल्स कैटेगरी में है, बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड टू ईच अदर, है ना, तो दोनों का कॉमन फ्रेंडली नंबर 3, 5, 6 हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और 3, 5, 6 जैसा कि आप जानते हैं, सी कैलेंडर सिस्टम का जो अल्फाबेट लेटर्स का जो वैल्यू है, CGLS 5 की, EHX है ना,
एन पे हम नहीं करते हैं, निम्नोलॉजी बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि एन नाम से जितने भी लोग हैं आप खुद देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए, ऑब्जर्व करके देख लीजिए अपने परिवार में, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव नेबर्स, इनका ग्रोथ इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है, इसलिए एन नंबर पे नाम नहीं रखना चाहिए। सिक्स नंबर यू वी डब्ल्यू, आठ और सात वालों को स्पेशली कोशिश करना चाहिए, चार सात आठ वालों को, अगर उसका कोई दूसरा एंटी नंबर एक के साथ नहीं है तो छः नंबर पे हमेशा बच्चे का नाम रखिए, यू वी डब्ल्यू से रखिए, बच्चे का भाग्य पलट जाएगा, जीवन भर वो सुख शांति समृद्धि में रहेगा, और 30 साल के अंदर अंदर उसके पास गाड़ी घोड़ा घर द्वार खुद अपना होगा, क्योंकि बेबी नेम न्यूमरोलॉजी का पहला नाम का पहला अक्षर मैटर्स लॉट, 100% मैटर्स, इस बात को किसी कीमत पे इग्नोर नहीं करना चाहिए। गूगल सर्च में आप नाम कुछ भी रख देते हैं बच्चे का, उसके बाद बच्चा सफ़र करता है, हम सफ़र किए हैं ना, 20 साल तकलीफ काटे हैं, इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको उस वक्त अवेयरनेस नहीं था, जानकारी नहीं थी, अब जब जानकारी मिल रही है तो उसका उपयोग कीजिए, उसका फ़ायदा उठाए। ओके देन, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए, वीडियो को फॉरवर्ड भी करना सीखिए, आप फीडबैक देना नहीं भूलिए कमेंट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जाते जाते फिर से याद दिला दें, पेड न्यूमरोलॉजिस्ट लॉजी कराना है या तो फैमिली पैकेज के अंदर कराना है, चाहे स्पेशल पैकेज के अंदर, दोनों के अंदर न्यूमरोलॉजिस्ट लॉजी एडवांस रिपोर्ट मिल रहा है आपको, चीप एंड बेस्ट इन इंडिया। धन्यवाद।